का कोई तो अभी हमें लागे और 9:58 हो रहा है और मेरी 11 बजे की ट्रेन मुंबई से तो 1 घंटे का गैप है, तो आई थिंक 12 मिनट लगेंगे हमारे लाइन से आने, 5 मिनट बैठेंगे सिर्फ 5 मिनट और वापस आ एंट्री पे लेट्स टेक द रिस्क लेट्स टेक सम एडवाइस एंड द फॉर टू गेट दैट विद यू सस्टेन अभी वापस मुंबई सेंट्रल जा रहे हैं गाइस। मुझे वहाँ पे बैठ के 1-to-1 वीडियो बनाना था बट मैं नहीं बना पाया, बस 5 मिनट है और मुझे वो भी एंजॉय करना था, बट अभी हो गया 10:40 एंड अभी हम वापस मुंबई सेंट्रल पर जा रहे हैं। अभी हम स्टेशन पे चल रहे हैं, 43 हो गए एंड अभी हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि 11 बजे की ट्रेन है। दिस इज क्रेजी, दिस एक्सपीरियंस वाज अवेसम। अभी हम जस्ट पहुँचे हैं एयरपोर्ट के सामने, भाई आप देख सकते हैं उल्टा दिख रहा है और ये आप अभी देख सकते हैं 57 हुआ है, 58 हो गया और अभी उसका दुआ चलता है। तो इट्स 59, 1 मिनट में ट्रेन निकल गई एंड इट वॉज अ क्रेजी थिंग। जब मैं बस्ती से निकला आई वाज़ नॉट श्योर कि मैं इधर पहुँच जाऊँगा, बट मैं इधर 10 बजे पहुँचा मुंबई सेंट्रल एंड आई वाज़ लाइक कि आपको 10:12, 10:08 तक मुंबई तक पहुँच जाएगी। सो मैं वहाँ पर जाकर गया, 5 मिनट बस 5 मिनट बैठा है एग्जाम लाइक देखा एंड आई क्रॉस द रोड केम आ गया। मैंने 10:37, 10:36 की ट्रेन पकड़ी, 10:44 आई वाज़ एट मुंबई सेंट्रल, आ गए यहाँ पे एंड नाउ दिस इज ए जर्नी। सो यहाँ पर गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अभी एडवेंचर पे और एक अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर आ गया, मैं इधर बाजू में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। हमारी ट्रेन 8 घंटा लेट है, 8 fucking hours, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टेड टू रीच वडोदरा एट 3:35 इन द मॉर्निंग। मैं वडोदरा उतरने नहीं वाला, मैं बस बता रहा हूँ। एंड अभी सुबह के 11 बजे ऑलमोस्ट 7 आवर्स लेट, अभी तक हम वडोदरा पहुँचे नहीं। कैन यू बिलीव इट, आई गेस कहीं भरूच या कहीं तो बड़ा एक ट्रैक है जहाँ पे वायर, तो गाड़ी रुकते रुकते ही जा रही है। सो यार लेट्स सी नाउ, इट्स अ क्रेजी डे मैन, इट्स अ क्रेजी डे। ये वाला व्लॉग मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है। अभी हम न्यू दिल्ली उतरे और
2:28 हो गए रात के, दोपहर को 3 बजे पहुंचने वाली थी, सो ऑलमोस्ट 11 घंटा लेट है। और अभी आगे का कोई प्लान नहीं है क्योंकि ना कोई बुकिंग है अभी के लिए बस के लिए, तो हमें मेट्रो भी बंद है, तो यहाँ से हमें कश्मीर गेट जाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आड़ी तड़ी करनी पड़ेगी। सो एग्जैक्टली करना क्या है, प्लान क्या है, मुझे अभी भी पता नहीं है। मैं बस चल पड़ा फ़ोन वॉलेट चलो, बहुत बढ़िया। ओ भाई साहब ये देखो, एक सेकेंड, ये भी बंद है, क्या ये फायदा फिर एस्केलेटर देने का, इससे अच्छा तो मैं सीढ़ियों से जाता ऊपर। रेस्ट कर लिया और अभी भी यहाँ से हम जाएंगे ISBT कश्मीरी गेट रैपिडो से, जो कि फिर वहाँ से हमें बस मिलेंगे चंडीगढ़ के लिए। सो यार एज़ आई सेड, इट्स वन हेल ऑफ एन एडवेंचर। दिन कैसे शुरू हुआ था और पूरा जर्नी अनएक्सपेक्टेड था, एवरीथिंग वाज नॉट प्लान्ड, एवरीथिंग वाज नॉट प्लान्ड, और मज़ा आ रहा है। गाइस अभी हम बैठे हैं बाइक पे और अभी हम जा रहे हैं छोड़ने के लिए। हैव अ गुड डे। कश्मीरी बस स्टैंड पे चल रहे हैं आगे बस स्टैंड के लिए। तो एक क्विक टिप, अगर आप दिल्ली आ रहे हो और मतलब आपको चंडीगढ़, मनाली, हरियाणा, राजस्थान कहीं पे भी जाना है, तो ISBT करके है कश्मीरी गेट, वहाँ पे आपको CTU, HRTC, PUTC, इन सारी की PRTC सॉरी, इन सारी की बसेस आपको मिलेगी। मतलब ये गवर्नमेंट की बसेस है जो चलती है, तो आपको सस्ते में मिल जाता है, वरना बहुत से लोग फुल हो जाते हैं। न्यू दिल्ली के बाहर आपको बसेस वॉल्वोज वगैरह में बैठाते हैं, 800-1000 रुपये का किराया लगता है। अब यहाँ से चंडीगढ़ का लगभग 450-500 रुपये में हो जाएगा, अगर AC बस रही तो 650-700 में हो जाएगा, पर उससे ज़्यादा महंगा नहीं। तो यस, ये टिप अगर आप न्यू दिल्ली आ रहे हो और आपको आगे कहीं जाना होगा तो हमेशा ध्यान रखना। तो हर आधे घंटे पौन घंटे हर स्टेट के लिए बसेस चलती है, बस आपको इन्फो रहनी चाहिए ऑब्वियसली, नहीं तो आपको फंसा देंगे लोग।
आप देख सकते हो ये यूटीसी की बसेस है, ये हरिद्वार उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड के लिए जाने वाली बसेस है। फिर यहाँ पे एचपीटीसी की बसेस है, हरियाणा पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट, और ये एचआरटीसी पीआरटीसी की बसेस है, ये सारी शिमला पालमपुर चंबा चंडीगढ़ यहाँ पे जाती है। तो अभी हमें चंडीगढ़ जाना है, ये राजस्थान और जम्मू कश्मीर के। तो ये देखो ये 300 की टिकट है प्रॉपर, ये 200 वापस आ लेंगे। ऐसे अगर आप जाओगे तो आपको ऑथेंटिक रहेगा, बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। और कोई बात लास्ट एडवेंचर है हमारा, हमारी गाड़ी बंद पड़ी गई बस। तो अभी हम टिकट पर साइन करा के दूसरी, ये जो भीड़ दिख रही है वहाँ पे सामने, ये सारी उसी बस की भीड़ है जो सेम बस में जाएंगे हम अभी सारे।